रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब ईरान एक ऐसे किरदार के रूप में सामने आ रहा है जिसकी चर्चा लगातार विदेशी मीडिया में हो रही है, क्योंकि ईरान पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में लगातार रूस का साथ दे रहा है। और अब एक बार फिर पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये खबर आई है कि ईरान रूस को बड़े पैमाने पर घातक हथियार देने जा रहा है। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद रूस किस कदर यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक हो चुका है ये दुनिया देख रही है, क्योंकि इसी हमले के बाद ईरान से मिले हथियारों की बदौलत पुतिन की सेना ने यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। रूस ने ईरान से मिले घातक ड्रोन से यूक्रेन के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। ऐसे में रूस के ऐसे ही हमलों की वजह से दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। और अब पश्चिमी मीडिया के हवाले से जो खबर आई है वो बेहद डराने वाली है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान अब रूस को और हथियार भेजने जा रहा है। खबर है कि ईरान की तरफ से रूस को मिसाइल समेत 1000 हथियार भेजे जाएंगे। इन हथियारों में ईरान के घातक ड्रोन भी शामिल हैं। अमेरिका का यह आरोप है कि ईरान रूस में अपने सैनिक भेज रहा है। खबर है कि वॉर जोन में रूस की ताकत बढ़ाने के लिए ईरान ये मदद कर रहा है। ईरान से मिले इसी ताकत के बूते रूस की सेना यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। इन्हीं ड्रोन के जरिए यूक्रेन में कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा चुका है।